विषय की मैं आपसे कुछ बात करूँ। प्रिय दोस्तों, मैं रहा हिंदू कॉलेज में, लेकिन मेरा दिल हंसराज में ही रहा हमेशा। और हंसराज कॉलेज में मेरे मित्र डॉक्टर प्रभात कुमार थे, वो रहे हंसराज कॉलेज में, लेकिन इनका दिल रहा हिंदू कॉलेज में से। और रमा जी हम दोनों की मित्र भी थी और लगभग शिष्य जैसी थी। हालांकि अब हमें ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है और बहुत गौरव की अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि देश के सभी अखबारों में, पत्रिकाओं में रमा जी का नाम आता है, हंसराज कॉलेज का नाम आता है, तो लगता है कि हमारा ही नाम आ रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा, अनुशासित, निष्ठावान और कार्यपूर्ण, विनम्र व्यक्तित्व को चुना जो आपके कॉलेज में आपको प्रिंसिपल के रूप में मिला। ऐसे प्रिंसिपल देश में बहुत बहुत दुर्लभ है। ये कॉलेज बहुत तरक्की करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज नंबर वन होना ही होना। दूसरी बात, कपिल और रंगरेज, कपिल हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी थे और हम लोगों ने जो वहाँ पर एक ग्रुप बनाया था नाटक का, उसके बहुत सक्रिय सदस्य थे और इनके टैलेंट को देख करके लगता था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी और इतना कुछ करेंगे इसकी आशा अभी नहीं थी। पर इन्होंने इतनी जल्दी तीव्रता से विकास किया और केवल अपने बल पर। मुझे मालूम है कि इनका जीवन बड़ा संघर्षशील है, उनकी पारिवारिक स्थितियाँ इस तरह की थी, उनको बहुत कष्ट भी थे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर आपको भी जाहिर नहीं होगा। और विपरीत स्थितियों में आकर के इन्होंने रंगरेज की स्थापना ही नहीं की, इसको विश्वविद्यालय रंगमंच का एक सबसे बेहतरीन ऐसा पौधा बनाया जो बहुत जल्दी वट वृक्ष बनने वाला है। आज मंटो की कहानी पर ये नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। मंटो एक बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही डिफिकल्ट लेखक है। उन्होंने अपने समय में, आज से 50-60 साल पहले, वो तो बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे, मंटो ने जो नारी के लिए किया वो आज का नारी विमर्श जहाँ जाता है, और जो समाज में आप देख रहे हैं कि रोज तीसरे पेज की जो खबरें होती हैं वो किस तरह से नारी उत्पीड़न से भरी होती हैं, उन सबके जवाब उन्होंने अपनी कहानी में कितना साल पहले दिए थे। आज की कहानी कौन सी चुनी है आप देखेंगे, वो मंटो के जवाब आपको आज ही मिलेंगे। और तीसरी बधाई मैं आप सबको देता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप एक बहुत अच्छे वक्त के लिए, एक बहुत अच्छे नाटक के लिए इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली। आंखों की तरह ऐसा ही नीला जैसा कि आज है।
धुला हुआ निखरा हुआ और ये आसमान किसी तरह तरस कर शोर मचा रहा था। और मैंने यही लेटे लेटे अपनी पड़पड़ाती हुई रूह के हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे ये जो हसीन लम्हा बताया, यकीन मानो मेरी जिंदगी उन सबसे खाली खाली जगह जो तुमने मेरी हस्ती में आज पूरी की है, तुम्हारे शुक्रगुजार। तुम मेरी जिंदगी में ना तो शायद ये हमेशा दूर है। मुझे समझ नहीं आ कि मैं तुमसे और क्या कहूं। सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई पर ऐसे मुकम्मल तौर पर जो महसूस होता है जो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। होश में हूं, मैं तब भी होश में था, मैं अब भी होश में हूं। मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा, मोहब्बत ही थी जो तुम्हें तमाम रातें खुश करती रही। अब इसके सिवा भी कुछ बाकी है? तुम खुश हो, बाकी है कोई असर न हुआ। मैंने उससे कहा,
विद्रोह कर लियोगे, तुम तो जिंदगी लाते। खुदा अपनी इबादत कराता है मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ खलबत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की। अरे अब अदम कहाँ है, उसकी अब वजूद को क्या जरूरत। वो तो एक ऐसी मां थी जो वजूद को जन्म दे देगी और सबके बिस्तर पर फना हो गई। औरत रो सकती है, औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंखों से ढंका हुआ आंसू है। एक रो रो कर बरस पड़े और दूसरा
बिजली का कोना बनकर उनसे खेलता, कत्तरी लगाना भाग जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का, जमीनों का या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही, दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना, एक होकर मारहाना, उसे इख्तियार बताना, क्या ये सब शाही है? नहीं, ये सब शायरी नहीं हो सकती, क्योंकि तो रूही तो सिमट कर जरूर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती है जो पहलकर कायनात बनता है। लेकिन फिर इस कायनात में क्यों एक रूह कभी कभी घायल छोड़ दी जाती है? केवल इसलिए कि उसने उस दूसरी रूह को इस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने में मदद की थी। ये कैसी कायनात है? कैसी कायनात है? किसके लिए लिखा जा रहा है?
रंग रंग और रोम रोम में फंसी हुई लिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही है? ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतर कर क्यों मेरे पेट में बन गया है? उसकी नीली नीली आंखें मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं। मेरे सीने की गोलाइयों में मस्जिदों की मेहराबों जैसी तफ्तीश क्यों आ रही है? नहीं, ये तफ्तीश कुछ भी नहीं, मैं इन मेहराबों को ढा दूंगी। मैं अपने अंदर जलते तमाम चूल्हे सर्व कर दूंगी जिस पर इस पिन बुलाए मेहमान की खातिर हानियां चढ़ी हुई है। अपने दिमाग के तमाम रंग बिरंगे धागे आपस में उलझा दूंगी
नहीं आप थी तो मैं शक नहीं बन गया। अभी भी मत कर, मार दे। Thank you.
पहुंचाती रही है।
मची लो, मची लो इसे, नहीं, मची लो इसे, मची लो इसे। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उंगलियों को काट डालूंगी। शोर मचेगा तो मैं ये काटी हुई उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। और मेरा नुक्ता, मेरा नुक्ता मेरे सारे इशारे समझ लिया करेगा। मैं उसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मेरे कानों को गीतों से भर
बूटी से कपड़े में जकड़ रखा था और उरिया जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वो सर्दी से मर जाए। मगर वो जिंदा थी। बच्ची खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और दो मिनट आशीष सर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस नाटक पर, तो मैं आशीष जी को आमंत्रित करता हूं। मैं आज के इस नाटक पे सिर्फ इतना कहूंगा कि जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना बेहतर निर्देशन और उससे बहुत अच्छा अभिनय। आप लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, तकमील शब्द का प्रयोग आपने कई बार किया, उस नाटक में होगा। तकमील कीजिए पर यह ध्यान रखे कि किसी का तकदीर खराब ना हो। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। मुझे बहुत अच्छा।